जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों सीजीएल का क्या है, थोड़ा सा ना पैटर्न चेंज कर दिया है। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, सर किस प्रकार से इसका क्या है सिलेबस है, क्या नेगेटिव मार्किंग है, क्या नहीं होगी, सर क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं, एक बार थोड़ा डिटेल में बताइए। 5 से 7 मिनट की वीडियो रखेंगे, सारा कंप्लीट शुरुआत से लेकर लास्ट तक सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी को वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है, और जानने का एक और प्रयास करेंगे कि इस बार सीजीएल में सिलेक्शन आसान है वो क्यों है। आप सभी को पता होगा कि सीजीएल मेंस में क्या होता था कि मैथ और इंग्लिश आती थी, लेकिन इस बार क्या है रीजनिंग भी आएगी, जीके जीएस भी आएगी। तो आप सभी तैयार रहें, इस बार उन लोगों के लिए भी अच्छा चांस है कि जो क्या है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिनका मैथ अच्छा नहीं है, वो भी क्या है कहीं ना कहीं इस दौड़ में रहेंगे और वो क्या है सिलेक्शन भी ले सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं सीजीएल हुआ सबसे आसान क्यों, कि भाई आसान क्यों है, सारा ही पैटर्न चेंज कर दिया गया है, देखने का प्रयास करेंगे क्या है, ठीक है। उसके बाद कहेंगे कंपटीशन सबसे कम क्यों है, इस पर भी जानेंगे। और आप सभी को पता है कि पद क्या है, लगभग क्या है, पद कितने हैं, भाई 20,000 प्लस पद की संभावना है, और 20,000 तो लगभग मान के ही चलिए, ठीक है। और बहुत ही जल्दी क्या है टायर वन की डेट दे दी गई है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे। जो स्टूडेंट अभी से भी तैयारी करेगा वो भी क्या है इस दौड़ में रहेगा, क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज कर दिया गया है, जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 5 मिनट में पूरे सिलेबस को क्लियर करेंगे, वन बाई वन सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि लगभग 20,000 प्लस पद है सीजीएल 2022 वाली वैकेंसी में, क्या योग्यता चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, कब तक, अगर आप जब तक ये फॉर्म लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट फॉर्म की है, उस तक भी अगर आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे जानने का प्रयास करेंगे कि सर 17 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 8-10-2022 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 20,000 प्लस पद है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए किसी भी मतलब स्ट्रीम से, जरूरी नहीं है कि स्पेशल होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसके बाद आयु की बात करते हैं, अगर मिनिमम आयु होनी चाहिए आपकी 18 साल, कब तक होनी चाहिए, अगर आप 1 जनवरी 2022 को 18 साल के हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो मैक्सिमम एज है 32 साल है, किसी के लिए 27 साल है, तो वो अलग अलग योग्यता बताई गई है, लेकिन मैं कॉमन सी बात कर रहा हूँ, अगर आप 18 साल के हैं और 32 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसी के साथ साथ जानने का प्रयास करते हैं एससी कैटेगरी में 5 साल की छूट है, ओबीसी में क्या है 3 साल की छूट दी गई है। तो ये बेसिक सी मैंने बात बताई, अब आगे चलते हैं जानने का प्रयास करते हैं, वन बाय वन सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जब आप फॉर्म भर देंगे, सारी चीजें यहाँ आपने देख ली, आप फॉर्म भर देंगे, योग्यता आपकी है, आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद में क्या होगा आपका टायर वन का एग्जाम होगा। टायर वन का जैसे पहले एग्जाम होता था वैसे ही होगा, कोई चेंज नहीं किया गया है। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि जो टायर वन का एग्जाम है वो आपका कब होगा। तो टायर वन जो है आपका दिसंबर में क्या है डेट दी गई है, अगर आप अभी से तैयारी करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप टायर वन को क्वालिफाई कर जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो टायर वन का आपका एग्जाम होगा ना, इसका कोई भी मार्क्स क्या है ऐड नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन में। फाइनल सिलेक्शन में आपका एक भी नंबर ऐड नहीं होगा, बस ये जस्ट क्या है क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। जैसे कि एनटीपीसी प्री का एग्जाम हुआ था, उसके कोई मार्क्स ऐड नहीं किए गए थे मेंस में। समझने का प्रयास करते हैं, जो प्री का सिलेबस है जैसा पहले था वैसा ही है, कोई चेंज इसमें नहीं किया गया है। मैथ के 25% है, रीजनिंग 25, इंग्लिश 25, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के भी क्या है 25-25% है। उसी के साथ साथ एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, टोटल ओवरऑल आपका 200 नंबर का पेपर है, 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे, 60 मिनट में आपको 100% करने हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जैसे पहले थी नेगेटिव मार्किंग वैसी ही रहेगी टायर वन में, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 60 मिनट का आपको समय मिलेगा। लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या है परसेंटेज दी गई है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 30% होने चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं 25% होना चाहिए, अदर है 20% होना चाहिए। तो इस पर अगर आप आ जाते हैं ये मत सोच लेना कि आपका टायर वन क्वालिफाई हो गया है, कट ऑफ आएगी टायर वन की अलग से, ये तो मिनिमम है, इतने तो आपको लाने ही लाने हैं, अगर इससे कम आएंगे तो वैसे भी कुछ होने वाला है नहीं। तो ये क्या है क्वालिफाई के लिए परसेंटेज दी गई है। उसी के साथ साथ क्या है इसकी टायर वन की कट ऑफ बनेगी, ठीक है, कट ऑफ बनेगी, जो भी स्टूडेंट इस टायर वन की कट ऑफ में आ जाएंगे 200 मार्क्स में से जो भी कट ऑफ होगी तो वो क्या देंगे टायर टू देंगे और मेंस एग्जाम देंगे, उसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसको जानने का प्रयास करते हैं, सबसे ज्यादा चेंज उसी में किया गया है, चलिए देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है पहले क्या होता था मैथ और इंग्लिश देखने के लिए मिलते थे मेंस में, लेकिन इस बार क्या है समझने का प्रयास करेंगे। जो टायर टू का आपका एग्जाम होगा उसमें क्या है सेक्शन आपके बांटे गए हैं, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड, थर्ड, 3 सेक्शन आपके बांटे गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे टायर टू में। यहीं से कंपटीशन क्या है आसान है, क्योंकि जिनका मैथ अच्छा है तो मैथ के सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन है, उनको रीजनिंग भी अच्छी करनी होगी, उनको जीके जीएस भी अच्छी करनी होगी और इंग्लिश भी अच्छी करनी होगी,
सभी सब्जेक्ट इक्वल करने होंगे। अब जिस स्टूडेंट का मैथ अच्छा नहीं है तो वो रीजनिंग इंग्लिश और जीके जीएस में स्कोर कर सकता है। कहने का मतलब है कि अभी सभी क्या है, इक्वल है। जो अभी से मेहनत करेगा, अच्छे से तैयारी करेगा, वो इसमें क्या है, सिलेक्शन ले सकता है। ठीक है, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। जब आपका टायर टू का एग्जाम होगा, टायर वन आपने क्वालिफाई कर लिया, अब समझने का प्रयास करेंगे। वहां आपको सेक्शन वन में क्या मिलेंगे, मैथ और रीजनिंग देखने के लिए मिलेंगे। मैथ के भी 30% होंगे, रीजनिंग के भी 30% होंगे। 1% 3 नंबर का रहेगा। 1% कितने का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा। ओवरऑल क्या है, 90 नंबर का मैथ रहेगा, 90 नंबर की रीजनिंग रहेगा। ये क्या है, सेक्शन वन है। ये क्या है, सेक्शन वन है। इसी में दूसरा सेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। उस सेक्शन में क्या है, आपको इंग्लिश मिलेगी और जीके जीएस करंट अफेयर्स सभी मिला के आपको कितने, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन रहेंगे और यहाँ क्या है, 25 क्वेश्चन रहेंगे किसके, जीके जीएस और करंट अफेयर्स के। तो 45 क्वेश्चन 135 नंबर के हो गए, यहाँ 75 नंबर के आपके ये क्वेश्चन हो गए। तो कहने का मतलब ये है, जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो आपकी सेक्शन वन और सेक्शन टू से मिलेगी। ठीक है, तो 1 घंटे का आपका ये होगा, 1 घंटे का ये होगा, 2 घंटे का आपका समय होगा, इतने प्रश्न आपको करने हैं। उसी के साथ साथ जानने का प्रयास करेंगे सेक्शन थ्री में क्या रहेगा, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। कंप्यूटर के 20% आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए कितना दिया जाएगा, आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है, जो आपका मेंस होगा, 2 घंटा 15 मिनट में, 2 घंटा 15 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, ये टोटल क्वेश्चन करने हैं, 30 दूनी 60, और ये कितना हो जाएगा, 40, और 30 कितना हो जाएगा, 70, और 70 और 20 कितना हो जाएगा, 70 और 20 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और 9, 7, 16। तो इतने टोटल क्वेश्चन आपको कितने करने हैं, 2 घंटे 15 मिनट में करने हैं। तो सेक्शन वन में आपको क्या है, 1 घंटे में इतने प्रश्न करने को देखने के लिए मिलेंगे। सेक्शन टू में 1 घंटे में इतने प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। उसी के साथ साथ 20 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के रहेंगे वो 15 मिनट। लेकिन जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो सेक्शन वन और सेक्शन टू से मिलकर मिलेगी। जो कंप्यूटर है वो आपको क्वालिफाई करना है बस। ठीक है, इतने नंबर पर क्या है, कंप्यूटर आपने क्वालिफाई कर लिया, मेन कट ऑफ बनेगी आपकी यहाँ। तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीके जीएस, करंट अफेयर्स हो, जो भी प्री में आ रहा है वो मेंस में भी देखने के लिए मिलेगा। ये सबसे बड़ा चेंज किया गया है। ठीक है, उसी के साथ साथ क्या है, 2000 क्या है, 2000 की आपको टाइप करनी है 15 मिनट में, ये भी क्वालिफाई है। तो लगभग 27 वर्ड पर मिनट की क्या है, आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग की। तो ये भी क्या है, क्वालिफाई नेचर है। और सबसे बड़ा जो चेंज किया गया है यहाँ क्या है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर आप 3% गलत करते हैं तो 1% आपका सही भी चला जाएगा। लेकिन जबकि टायर वन में आपने देखा था, टायर वन में जो आपकी क्या नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/4 की थी। तो ये सबसे बड़ा चेंज है। तो अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो आप अच्छे से क्या है, तैयारी कर सकते हैं। मैंने 5 से 7 मिनट में पूरा सिलेबस क्या है डिस्कस किया आपके साथ। कंपटीशन देखिए, अब मैं सारे पॉइंट को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। सबसे आसान सीजीएल आसान हुआ क्योंकि भाई प्री और मेंस में क्या है, सेम ही सिलेबस आ रहा है। और मेंस में आप सभी को पता है, रीजनिंग मिलेगा, मैथ मिलेगा, जीके मिलेगा, और क्या है, इंग्लिश भी मिलेगी, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो अब इकलौता कोई इंग्लिश और मैथ वाला सिलेक्शन नहीं लेगा, जिनकी क्या है, जीके जीएस अच्छी होगी, जीके जीएस अच्छी होगी, रीजनिंग होगी, वो भी क्या है, सिलेक्शन ले सकते हैं और अच्छे से सभी मेहनत करेंगे। ठीक है, कंपटीशन सबसे कम क्यों है, क्योंकि पैटर्न चेंज किया गया है। ठीक है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो और जो अब तैयारी करेंगे सभी इक्वल हो गए हैं। तो आप ये समझने का प्रयास करेंगे, मैथ के सिर्फ 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे, कंपटीशन इसमें कम रहेगा। और इस बार क्या है, पद क्या है, इस बार क्या है, पद भी क्या है, सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो 20,000+ लगभग 20,000 वैकेंसी हैं। तो आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं। जो भी आपके सवाल रह गए, मैंने कोशिश की है कि आपको बिल्कुल जो पूरा नोटिफिकेशन है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो शॉर्ट में आपको क्लियर करने का प्रयास किया है। फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी से सीजीएल की तैयारी में अच्छे से लग जाए। नए स्टूडेंट है तो आप एचडी कैंपस ऑफिशियल जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। हम भी सीजीएल के लिए भाई क्लासेस स्टार्ट करेंगे और अच्छे से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुलाकात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।